नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पाबनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम प्रश्न निर्माण से संबंधित कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं, आइए। तो प्रश्न निर्माण से संबंधित प्रश्न सॉल्व करने के लिए विद्यार्थियों, हमें किन शब्द को लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में याद होना चाहिए? जिस वचन और जिस विभक्ति में और जिस लिंग में जो शब्द होता है, उसी वचन, उसी विभक्ति और उसी लिंग में हम किम शब्द लिखते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, पढ़ते हैं। रेखांकित पदेशु प्रश्न निर्माणम करणीयम्। रेखांकित पदों में प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला क्वेश्चन है, दशरथस्य पुत्र है राम। दशरथ का पुत्र राम, तो यहां पर राम है, इसको रेखांकित किया हुआ है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखें जिससे हमारा प्रश्न बने? तो देखिए, राम है पुलिंग है, एक वचन है, पुलिंग है एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है। तो किम शब्द में भी हम पुलिंग, एक वचन और प्रथमा विभक्ति लिखते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो राम के स्थान पर यदि हम लिखते हैं के, तो ये पुल्लिंग है और क्या है, एक वचन है और प्रथमा विभक्ति के कौ के, तो राम है के। तो यहां पर राम के स्थान पर हम के लिख देते हैं तो हमारा प्रश्न बन जाता है। किस प्रकार से? देखिए, दशरथ से पुत्र है के, ये दशरथ का पुत्र कौन था? तो यहां पर हम राम के स्थान पर कह लिखेंगे तो हमारा प्रश्न बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामस्य पिता दशरथ है। राम के पिता दशरथ थे, तो यहां पर रामस्य है पुल्लिंग है और षष्ठी विभक्ति एक वचन है, पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो हम किम शब्द हुई पुलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखेंगे, रामस्य के स्थान पर लिखेंगे हम कस्य। कस्य पिता दशरथ है, दशरथ है, किसके पिता दशरथ थे? तो ये हमारा प्रश्न बन गया। नेक्स्ट है, से बालकम पश्यति, वह बालक को देखता है। तो यहां पर बालकम, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन है, बालके बालकौ बालका, बालकम द्वितीय विभक्ति एक वचन है और पुलिंग है, तो किम शब्द भी द्वितीय विभक्ति एक वचन पुलिंग लिखेंगे बालकम के स्थान पर तो हमारा प्रश्न बन जाएगा। कैसे? से कम पश्यति, से कम पश्यति, वह किसको देखता है? हमारा उत्तर है, वह बालक को देखता है। तो हमारा प्रश्न बना से कम पश्यति। कम क्यों आया? क्योंकि बालक है जो पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो किम शब्द भी पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में हम लिखेंगे तो हमारा प्रश्न बन जाएगा। नेक्स्ट, छात्र कलमेन पत्र में लिखति, छात्र कलम से पत्र लिखता है। यहां पर कलमेन में तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो हम किम शब्द भी तृतीय विभक्ति एक वचन में लिखेंगे और कलमेन जो है वह नपुंसक लिंग है। वैसे प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में अलग होती है, नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग होती है, शेष जो रूप चलते हैं वह पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। तो देखिए, कलमेन तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो किम शब्द नपुंसक लिंग तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? के कौ के, कम कौ का, केन आया, तृतीय विभक्ति एक वचन केन, तो कलमेन के स्थान पर हम केन लिखेंगे तो हमारा प्रश्न बन जाएगा। आइए दोस्तों लिखते हैं, छात्र हैं केन पत्रम लिखती, छात्र केन पत्रम लिखती, छात्र किससे पत्र लिखता है?
छात्रे केन पत्रम लिखति, छात्र किससे पत्र लिखता है। आंसर क्या लिखा हुआ है, कलमेन, कलम से। प्रश्न बनाना होगा तो हमें लिखना है केन, ठीक है। नेक्स्ट है अहम रामाय पुष्पाणि अर्पयामि, मैं राम को पुष्प अर्पित करता हूँ, मैं राम को पुष्प अर्पित करता हूँ। तो देखिए पुष्पाणि नपुंसक लिंग है और प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, जैसे फलम फले फलानि। तो यहाँ पर हम किम शब्द भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिखेंगे पुष्पाणि की जगह, किम के कानि, तो पुष्पाणि की जगह क्या लिखेंगे, कानि। तो आंसर होगा हमारा अहम रामाय कानि अर्पयामि, अहम रामाय कानि अर्पयामि, ये प्रश्न बना। नेक्स्ट है वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात्, वृक्षात् में पंचमी विभक्ति एकवचन है और पुलिंग है, तो किम शब्द पुलिंग पंचमी विभक्ति एकवचन लिखेंगे हम। किम शब्द पुलिंग पंचमी विभक्ति एकवचन क्या होता है, कस्मात् पत्राणि पतन्ति, कस्मात् पत्राणि पतन्ति, किससे पत्ते गिरते हैं, किससे पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर पंचमी विभक्ति एकवचन है तो यहाँ पर भी हम पंचमी विभक्ति एकवचन लिखेंगे। यहाँ पर वृक्ष पुलिंग है, यहाँ पर भी किम शब्द पुलिंग हम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है छात्रा विद्यालय पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। यहाँ पर स्थान आया है तो स्थान के लिए कहाँ पढ़ते हैं, आंसर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन क्या बनाए, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। तो प्रश्न बनाइए छात्र कहाँ पढ़ते हैं, तो कहाँ के लिए विद्यार्थियों यूज करना है हमें, कुछ कहाँ के लिए क्या यूज करना है, कुछ यूज करना है। तो लिखेंगे छात्रा कुत्र पठन्ति, छात्रा कुत्र पठन्ति, छात्र कहाँ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कविषु कालिदास है श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविषु कालिदास है श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर कविषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है और पुल्लिंग है, तो किम शब्द भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग में लिखेंगे हम, केषु, केषु किन में, कालिदास है, कालिदास श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, केषु कालिदास है श्रेष्ठ है, किनमें कालिदास श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है रामात् श्यामे चतुर्थ, राम से श्याम चतुर है। कंपैरेटिव डिग्री ऊपर वाली थी, सुपरलेटिव डिग्री जिसको बोलते हैं उत्तम अवस्था और ये उत्तरावस्था, तो राम से श्याम चतुर है। तो यहाँ पर श्याम पुल्लिंग है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति श्याम है, श्यामो श्यामः, तो श्याम पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। तो हम किम शब्द भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन लिखेंगे श्याम के स्थान पर, कह कौ के, तो श्याम के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, कह। तो सबसे पहले लिखेंगे रामा, राम से श्याम, के कौन चतुर है, राम से कौन चतुर है, इस प्रकार से हम प्रश्न बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है दरिद्रे भी धनम देही, गरीबों को धन दो। यहाँ पर दरिद्रे भी देही, इससे स्पष्ट हो गया है कि कौन सी विभक्ति है, क्योंकि उपपद विभक्तियों में बताया गया है। आप लर्न पावनम संस्कृतम चैनल की प्लेलिस्ट में उपपद विभक्तियां देख सकते हैं विद्यार्थियों। तो दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखें, दरिद्रे भे। तो किम शब्द चतुर्थी विभक्ति पुल्लिंग क्या होता है, के भे, कस्मै काभ्याम के भे, तो दरिद्रे भे के स्थान पर लिखेंगे हम के भे, के भे धनम देही,
किसको धन दें, के भे धनम देही किसको धन दें। इस प्रकार से दोस्तों हम आंसर दिए हुए होते हैं तो उनके क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और हम अभ्यास करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।